देखते हैं आज आपका दिन कैसा रहेगा। मेष, लगातार सफलता की ओर अग्रसर होंगे। आर्थिक पक्ष कमजोर होने के बावजूद कोई कार्य नहीं रुकेगा। विवादित मामले सुलझ सकते हैं। व्यापार में लाभ के आसार हैं। पेट के रोग से तकलीफ संभव है। धार्मिक आयोजन में शामिल होंगे। वृषभ, सहयोगी समय चल रहा है। कई दिनों से चली आ रही परेशानी का निदान हो सकता है। नौकरी में पदोन्नति के योग हैं। समय का लाभ लें और भविष्य को बेहतर बनाएं। दुखद समाचार प्राप्त हो सकते हैं। मिथुन, किसी अन्य के विवाद में आप न बोलें, अन्यथा मुसीबत में फंस सकते हैं। वाहन खरीदने का मन है जो जल्द पूरा होगा। साहित्यकार, रंगमंच से जुड़े लोग, लेखक, कवि, इन लोगों की कीर्ति में वृद्धि होगी। कर्क, राजकार्य से जुड़े जातक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं तो यह सही समय है। आज आपको कोई धोखा दे सकता है। न्याय पक्ष मजबूत होगा। सिंह, ग्रहों की दशा आपके अनुकूल है। रुके कार्यों में गति आएगी। पुराने विवाद आज सुलझ सकते हैं। अपने वाक्य चातुर्य से काम बना लेंगे। आर्थिक लाभ होगा। न्याय प्रकरण का फैसला पक्ष में होगा। कन्या, निवेश से लाभ होगा। आपके व्यवहार में थोड़ा प्रेम भी दर्शाएं। किसी बात से मन ही मन मंथन चल रहा है। समय के साथ सब सामान्य हो जाएगा। निजी व्यवहारों में कड़वाहट आ सकती है। तुला, जो चाहा वो प्राप्त करते जा रहे हैं। शत्रुओं की वृद्धि होगी। अहंकार छोड़ दें और अपने संबंधों को महत्व दें। तीर्थ यात्रा के योग बन रहे हैं। वृश्चिक, निजी मसले आज सुलझ सकते हैं। अनजान मित्र बन सकते हैं। कई दिनों से जो कार्यों में अवरोध आ रहे थे आज वो हट सकते हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। धनु, राजनीतिक वर्चस्व के चलते विवाद संभव। अपनी संतान को सुविधाओं के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दें। कार्यस्थल पर अपने कर्मचारियों के कार्यों की प्रशंसा करें। लाभ होगा। धन लाभ संभव। मकर, पारिवारिक सुख मिलेगा। विदेश में व्यापार स्थापित हो सकता है। विवाह योग्य जातक प्रसन्न होंगे। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय उपयुक्त है। धार्मिक समारोह में शामिल हो सकते हैं। कुंभ, रुक रुक कर हो रहे कार्यों से परेशान रहेंगे। पारिवारिक माहौल अनुकूल नहीं होने से तनाव बढ़ सकता है। वाहन पर खर्च होगा। कार्यस्थल पर कर्मचारियों से परेशान होंगे। नए दोस्त बनेंगे। मीन, समय रहते कार्यों को पूरा कर लें। काम की अधिकता रहेगी। व्यस्त रहे, मस्त रहें। व्यर्थ चिंता न करें। जो हुआ उसमें प्रसन्न रहें। परमात्मा की इच्छा इसी में थी। धन लाभ संभव। भाइयों का साथ मिलेगा।